खुर्रम साहब, उन्होंने कहा था कि हमने सबको साथ लेके चलना है, सबको चलाना, लेकिन दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग ओमिशंस थी मियां साहब की तकरीर से। एक, सबका ख्याल था कि इलेक्शन की बात करेंगे, पीपल्स पार्टी हलकान होती जा रही है इलेक्शन मांग मांग के, उन्होंने एक बारी भी नहीं कहा कि आप इलेक्शन की इमिजिएटली डेट अनाउंस करें। उन्होंने 16 मार्च को बिल्कुल ब्रश कर दिया जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उन्होंने बात तक नहीं की कि हमने अगर ऑल इंक्लूसिव बात हो रही थी कि चलें JUI हमारे साथ थी, पीपल्स पार्टी थी, एक कौमी गवर्नमेंट बनी हुई थी को जो आपकी थी गवर्नमेंट जो थी उस पर भी जिक्र नहीं किया। और तीन चीज़ें उन्होंने वही बात की, उनका मैं दिल पर जबर सबर करके बात कर रहा हूँ बर्दाश्त के साथ। सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने कहा ये ऐसा मर्ज है कि इसको ठीक करना होगा। फिर उन्होंने इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश की एग्जाम्पल दी, और आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान बड़ा टची पॉइंट है हमारी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में। बहुत से लोग, जितना कोई लोग भुट्टो साहब पे ब्लेम करते हैं पार्टीशन, तो आप भुट्टो साहब के लोग फौज पे ब्लेम करते हैं, बट इट्स अ वेरी टची पॉइंट। उसको एग्जांपल देना एक चीज़ को बड़ा एक डिलिबरेट लोग समझ रहे हैं जो हम लोगों से बात करते हैं कि जी बड़ा सोच समझ के चोट लगाई गई थी ये बांग्लादेश वाली एग्जाम्पल। जुडिशरी की हिस्ट्री आपकी और जुडिशरी की अली अदलिया की बहुत बुरी है, चढ़ाई भी आप लोगों की थी, सब कुछ था। वहाँ पे कहा जुडिशल असलाहत हमें चाहिए, और फिर कश्मीर पॉलिसी इज़ अगेन अ वेरी टची थिंग, उस पर भी इंडिया कश्मीर। तो लग तो ये रहा है कि मियाँ साहब ने बड़े सॉफ्ट अल्फाज में बड़ी सख्त तकरीर की है, और जो माजी में आपके कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं वो फिर कॉन्फ्लिक्ट शायद आ जाएंगे अगले 6-8 माह में। कोई ऐसी बात है कि हम ओवर रीड कर रहे हैं तकरीर में? मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने खुद जवाब दे दिया मालिक साहब, कि जो लोग कहते थे कि जी नवाज शरीफ तो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, वो तो बिल्कुल बैठ गया है। मियां साहब ने यही उनका आर्ट है कि नरम अल्फाज में, नरम लहजे में किसी को चोर, डाकू, गद्दार, काफर कहे बगैर उन्होंने पाकिस्तान की बात की है। और हम उसको टेक्टिकली उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये फिर वही उधर ही जा रहे हैं और ये कैसे टैक्टिक हैं, लेकिन बात तो 100% दुरुस्त की है, 100% सही बात की है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने वाली बात की है कि हम जब तक इन चीजों से डील नहीं करते, हम इसको मुस्तकिल तौर पे नीचे कारपेट के डाल रहे हैं, तो मामला मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। तो जो परसों का इज्तिमा था वो और नवाज शरीफ की वापसी आज खुद बड़ी सिंबॉलिक है। आपने कहा कि इलेक्शन का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी मुल्क में मौजूदगी इस वक्त सबसे बड़ी गारंटी है कि इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और वक्त पर होंगे। जैसे ही हल्का बंदियों का फैसला हो जाता है तो 54 दिन के बाद जो उनका वक्त चाहिए इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। तो उनकी मौजूदगी इटसेल्फ इलेक्शन की गारंटी है। और जो उन्होंने सारी बातें की हैं जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, मतलब एक और जुमला जो आपने नहीं सुनाया, उन्होंने ये भी कहा कि अब जो खिलवाड़ मुल्क के साथ है अवाम इसको रोकें। तो लिहाजा उन्होंने अपनी हर बात का इरादा जो है नरम अल्फाज में, एक मुहज्जब लहजे में गुफ्तगू की है, और यही उनके स्टेट्समैन होने की निशानी। खुर्रम साहब ये बताइए, ये तासुर कैसे? खुर्रम साहब, बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जिससे तासुर मिलता है कि शायद कोई रिलीफ, कोई डील हुई है या नहीं हुई, लेकिन तासुर बड़ा मिल रहा है स्ट्रॉन्ग। पहले हमने सुना कि जी मियाँ साहब तब तक नहीं आएंगे जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट होगी, फिर गवर्नमेंट गिर गई, फिर उनका ये हुआ कि जी वो तब आएंगे जब उमर साहब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, उनको ख़तरा है कि मेरे खिलाफ केसेस होंगे, सब कुछ चले वो चले गए, फिर एक जज आ गए अपने चीफ जस्टिस साहब फैजी साहब बन गए, उसके बाद वो आते हैं। सो बड़े लोगों की उस पर इधर हुआ कि कैसे हुआ, फिर उनको बहुत बड़ी रिलीफ गई कि जिस तरह उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई वो है। अब कल उनका केस है, अब बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कल सेंटेंस भी सस्पेंड हो जाएंगे। फिर मुझे याद है जब इमरान खान साहब का बायोमेट्रिक हुआ था गाड़ी में बैठे हुए, तो बहुत लेटे आपकी पार्टी ने की थी, लेकिन मियाँ साहब का बायोमेट्रिक टीम ने जाके एयरपोर्ट पर कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि सारे प्रोसीजर चीज़ें, मसला कोई नहीं होता। तो हमें नज़र तो आता है कि जब एक ज़माने में एक तरफ हवा चल रही होती है तो एक को फ़ायदा होता है, फिर जब हवा बदलती है तो ज़रूरत से ज़्यादा ही आप फैसिलिटेशन हो जाती है। तो जो पीपल्स पार्टी बात कर रही है, बाकी लोग बात कर रहे हैं, इनमें वज़न तो काफ़ी है।
और 38% ऑफ अ पॉपुलेशन फील्स के कोई डील है, तो ये क्या डील है? अगर है तो बता दें, कोई इतनी बुरी डील तो नहीं हो सकती, शेयर ही कर लें। पहली बात तो ये है मालिक साहब कि ये आम माफी नहीं है, तलाफी है, अनायत नहीं है, अजाला है। दिस इज रीड्रेस, नॉट रिलीफ। ये सब लोग जो आज एतराज कर रहे हैं, इनमें से कायरा साहब जैसे तो मेरे भाई हैं, जिन्होंने उस वक्त भी जो नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई 2017 में और उसके बाद, उस पर आवाज उठाई थी। लेकिन बहुत सारे वही हैं जिन्होंने उस वक्त भी ठट्टा उड़ाया था, आज भी वो ठट्टा उड़ा रहे हैं। तो एक बड़ी हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है नवाज शरीफ के साथ, कि ना सिर्फ उन्हें गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, उसके बाद गलत तरीके से उनसे पार्टी की सदारत छीनी, हमारी पार्टी के जो सेनेटर्स थे उस वक्त उम्मीदवार थे उनसे पार्टी का सिंबल छीन लिया कोर्ट ने, और उसके बाद इमरान खान को लाने के लिए जिस किस्म की तरोड़ मरोड़ की गई, और उसके बाद फिर इमरान खान ने जिस तरह हमारी पार्टी के लीडर्स को टॉर्चर किया और उस टॉर्चर के ऊपर ठट्टा उड़ाया और उनको मॉनिटर किया, ये सारा एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है जो कि अब रीड्रेस हो रहा है, वो बैलेंस आ रहा है वापस, जो बैलेंस तो हमसे छीना गया तो था। ये जो पीटीआई पीटीआई के सपोर्टर्स या लीडर्स के साथ हो रहा है उनके घरों में, ये आपके ख्याल में हिस्टोरिक जस्टिस हो रहा है? जी नहीं, हिस्टोरिक जस्टिस नहीं हो रहा, लेकिन पीटीआई ने अभी 9 मई का जवाब नहीं दिया। अच्छा। क्योंकि 9 मई के जो एक्शंस थे वो सियासी एहतजाज नहीं था मालिक साहब, वो आईडी पाकिस्तान के तहत प्रोटेक्टेड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है कि अगर आप रेडियो पाकिस्तान को चलाएं, आप जीएचक्यू पर हमला करें। 9 मई को तो कोई नहीं, 9 मई को तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मेरा सवाल तो कुछ और था, 9 मई तो डिप्लोरेबल हुआ जो कुछ हुआ, वो तो खुद पीटीआई वाले सेनेटर साहब भी बैठे कह रहे हैं जी करें आप सजाएं दें जो भी करना है। मैं तो ये पूछूं कि ये जो परसेप्शन है, आप जिसको मिस परसेप्शन कह रहे हैं, इसको दूर करने का क्या तरीका है कि ये डील नहीं है और ये एक नॉर्मल एक प्रोसेस है, ये तासुर कैसे दूर होगा? जी आप देखेंगे, अब नवाज शरीफ की मुल्क वापसी आज खुद इलेक्शन की सबसे बड़ी गारंटी है। आने वाले दिनों में वो इस पर बात करना शुरू करेंगे, वो आने वाले दिनों में सियासी जमातों के जो हमारे दोस्त और एलाइज थे इन 16 माह में, उन सब के सरबराहान से गुफ्तगू करेंगे, गालिबन एक मीटिंग भी होगी वक्त की कन्वीनियंस के साथ। तो वो तो ये जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, और बिलावल साहब ने जो बात की है मैं उससे डिसएग्री नहीं करता, हम सबको ये करके दिखाना है कि हम एक जमहूरी तरीके से आवाम के वोट की ताकत से आए हैं, और जो 16 महीने की हुकूमत लेने का मकसद भी यही था कि हम जो क्रीपिंग फासिज्म था पाकिस्तान में, जिसका हमें एक सेंस थी कि इसको रोकना है, ताकि 2024 का जो इलेक्शन है वो 2018 के इलेक्शन की तरह रिग्ड और डिस्टॉर्टेड और रिप्रेस्ड ना हो, ये कोशिश है। और इस पे नवाज शरीफ अपनी बॉस, वैसे आपने अभी हमें तमाम दूसरी जमातों के लिए, आपने अभी हमें कहा था कि सेक्शन का बाइस होना, आपने अभी कहा था कि मियां साहब की तकरीर सारे एक बार दोबारा सुने ताकि उनको डीपर बातें समझ आए। मेरा ख्याल है मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा जरा बिलावल बात की साहब की तकरीर भी आप दोबारा सुन लें, वो काफी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और सिनिसिज्म और क्रिटिसिज्म सेंस किया है, लेकिन मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बिकॉज वो हमारे पार्टनर्स हैं। ये जो पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट्स और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का कायम करना है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी पार्टनर है, उस दिन से पार्टनर है जिस दिन सही मानों में शहीद बेनजीर भुट्टो ने मियां नवाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए थे। हम सब एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की सरबुलंदी के लिए हम